एक है अंग प्रदर्शन, बहुत ज़्यादा जोर रहता है। आज के दौर में जो चल रहा है अश्लीलता को दिखाकर हिट होना, ये फिल्म उस तरह की नहीं। बड़ा इसमें फिल्म में फिल्माया गया जो कि बल्गर सीन नहीं है, फैमिली के साथ देख सकते हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं आरा शहर के मोती सिनेमा हॉल में, जहाँ से कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का संघर्ष 2 मूवी लगा हुआ था। उसके बाद से भोजपुरी की एक और मूवी यहाँ पे लगी हुई है, प्यार निभाना सजना। देख रहे होंगे कि उस समय से ही भोजपुरी के जो सिनेमा देखने वाले लोग थे वो काफ़ी उनमें भारी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से फिल्म बनती है और इस पर दर्शकों का क्या कुछ रिव्यू रहता है, देखते हैं किस तरीके की मूवी है, इस मूवी में गाने किस तरीके हैं। प्यार निभाना सजना देख रहे होंगे, इस मूवी का जो पोस्टर आपके सामने दिख रहा होगा, इसी के बारे में आज हम रिव्यू करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जो भोजपुरी की मूवी बन रही है वो अभी जो बनी है, जो संघर्ष 2 था, उसके बाद हर हर गंगे था, जिसको दर्शकों ने काफ़ी सारा प्यार दिया था, आपकी बार प्यार निभाना सजना को किस तरीके से दर्शक लोग देख रहे हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं और देख के वहाँ से बातें करते हैं कि क्या कुछ इस मूवी में खास है जो कि दर्शक, कैसा लगा मूवी है? बहुत अच्छा लगा मूवी जी। क्या कुछ और मूवी से अलग है, क्योंकि आए दिन देखते हैं अश्लीलता का आरोप लगता है भोजपुरी है तो अश्लील, ऐसा लोगों के मन में बैठ गया है। इस मूवी में क्या है अश्लीलता है, परिवार के साथ देख सकते हैं? देख सकते हैं। हाँ, पूरा देख सकते हैं मूवी परिवार के साथ बैठे हुए बिना किसी हिचकिचाहट के? नहीं नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। हाँ। तो और क्या कुछ और मूवी से अलग है, इसमें किस तरीके, एक्शन मूवी है, लव स्टोरी है या फिर पारिवारिक है? पारिवारिक है, पूरा पारिवारिक मूवी है। आपको इसमें क्या अच्छा लगा और मूवी से? वो गाने ना बहुत मस्त लगा, गाना अच्छा था। हाँ, और शूटिंग वूटिंग जो हुआ था सब बढ़िया, सीन हुआ बहुत था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। हाँ। इसके पहले कभी भोजपुरी मूवी आप देखी है कि नहीं? देखे, मूवी देख के आ रहे हैं। हाँ, कैसा था मूवी? बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, आप महिला हैं, बताइए भोजपुरी फिल्म जो अश्लीलता से लोग बोलता है कि अश्लील है, पूरा गंदा मूवी है, लेकिन इसमें है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो सब गंदा नहीं है, सही है, पिक्चर परिवार के साथ देखने लायक है। हाँ, परिवार के साथ देखने लायक है, सबके साथ देखने लायक है। गाना अच्छा अच्छा था, पूरा अच्छा था। कैसा था मूवी? बहुत अच्छा था, क्योंकि भोजपुरी मूवी देख रहे होंगे कि भोजपुरी मूवी से बहुत लोग दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके का आजकल गाना आ रहा है उसको देख के लोग मन में बैठ जाता है। सब ठीक है, सब चीज़ ठीक है। इस मूवी के बारे में क्या कहिएगा? ये बहुत अच्छा मूवी है, सबको देखने लायक है, परिवार सहित आके लोग देख सकते हैं, मतलब। हाँ, क्योंकि जो मूवी भोजपुरी में अश्लीलता को लेके लोग, माँ और बेटी हैं आप लोग, गाना नहीं सुनता उस तरीके का, चाहे भाई भी हैं तो वो भी घर में जाते हैं तो गाना बंद करता, भोजपुरी गाना है, घर परिवार को खराब लगा, तो क्या इस तरीके का कुछ इसमें सीन वन था नहीं ना? नहीं, साफ सुथरा मूवी है। हाँ, क्या कुछ इस फिल्म में अलग था? फिल्म बहुत अच्छा था, कुछ अलग जो पहले मूवी, जो अभी फिलहाल के दिनों में संघर्ष मूवी जो था, संघर्ष 2 खेसारी लाल का और पवन सिंह जी का हर हर गंगे था, तो उस समय के बाद से ये मूवी जो आ रही है पारिवारिक मूवी, उनमें बहुत मुकाबला करना बहुत अभी है मुकाबला। पिछली बार उनकी जो जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर उनकी मूवी पिटी है, पवन सिंह जी की मूवी जो थी हर हर गंगे, उस तरीके से दर्शकों का रिस्पांस नहीं मिला था। अब एक वीडियो वायरल, नहीं नहीं एक वीडियो जिसमें वायरल हो रहा था कि पूरे हॉल में एक दर्शक बैठ के देख रहा था लोग, तो कुछ ना कुछ वजह रही होगी ना? हाँ, होगी तो नहीं जानकारी हमको उतना। गाने के एल्बम के मामले में अगर बात किया जाए तो पवन सिंह जी खेसारी जी बहुत ऊपर हैं, लेकिन मूवी के लाइन में देखा जाए तो हाल फिलहाल की जो मूवी थी उसका रिव्यू भी दर्शक के तरफ से भी, या फिर बोला जाए कि उनके तरफ से भी सही तरीके से नहीं देखा गया था? देखा गया था, मिला जुला कर। इस मूवी में लोग बता रहे हैं कि अश्लीलता नहीं है तो परिवार के साथ आके देख सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल भोजपुरी पर यही उठता है, हमेशा सही दाग लगता है, अश्लीलता नहीं है उसमें, मुख्य बात यही है, मुख्य बात यह है कि अश्लीलता नहीं है। अच्छा सर, देख के आ रहे हैं मूवी आप? जी जी। क्या था इस मूवी में अलग जो कि लोगों को आना चाहिए इस मूवी को देखने? सबसे बड़ा इसमें फिल्म में फिल्माया गया जो कि बल्गर सीन नहीं है, फैमिली के साथ देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो भी भोजपुरी के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बल्गर सीन की ही बात होती है, क्योंकि एल्बम में आए दिन लोग देखने को मिलता है, अहमियत है इस फिल्म का। आ एक डायलॉग है बेटी के बाप के तरफ से जो बहुत महत्वपूर्ण है, जात पात धर्म के से ऊपर उठ के मोहब्बत के जो पैगाम दिया गया है, ये एक फिल्म के बहुत अहमियत सीन है और संवाद भी है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। और कहीं भी जो अश्लील सीन और शरीर के प्रदर्शित नहीं किया गया है फिल्म चलने, आए दिन भोजपुरी में देखा जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो देखा जाता है उस तरीके का इसमें सीन डाला नहीं है। नहीं गया है, ये फिल्म का खासियत है। आज के दौर में जो चल रहा है अश्लीलता को दिखाकर हिट होना, ये फिल्म
उस तरह की नहीं है। परिवार के साथ आके आराम से बैठ के देख सकते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इधर नज़र चुरा रहे हैं पिताजी, उधर नज़र चुरा रहे हैं साहब, और जो उनकी वाइफ है अलग नज़र चुरा रहे हैं, बेटा बेटी अलग नज़र चुरा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन ही नहीं है, पूरा ऑल फिल्म पूर्णतः पारिवारिक है। पूर्णतः पारिवारिक है और पूर्णतः सामाजिक भी है, इसको कहा जा सकता है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरियां बना रहे थे, लेकिन एक अभी का समय जो है, ये जो मूवी आई हुई है बताया जा रहा है पारिवारिक है, तो क्या दर्शकों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी ये मूवी? बिल्कुल कर पाएगी। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है, जैसा कि हम लोग बहुत सारे भोजपुरी सिनेमा में देखते हैं क्या, कि एक है अंग प्रदर्शन, बहुत ज़्यादा जोर रहता है, सबका जोर रहता है अंग प्रदर्शन पर। इसके अलावा और भी क्या देखते हैं कि बहुत कम कपड़ों में, खास कर एक भोजपुरी सिनेमा की जो खासियत बन गई है कि आइटम सॉन्ग, और आइटम सॉन्ग के नाम पे अश्लीलता, हाँ आइटम सॉन्ग के बल पर सिनेमा को चलाना। लेकिन तारीफ हम करेंगे जिन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी है, वो अपने मेहनत के बल पर, अपने कहानी के बल पर वो अपने पैसा कमाना चाहते हैं, ना कि अंग प्रदर्शन के बल पर। ये मूवी दर्शकों को कितना आकर्षित कर पाएगी? नहीं, ये फिल्म पूरी तरह से अट्रैक्टिव है, और इस फिल्म में अगर मान लीजिए अगर हम सोशल डिस्क्रिमिनेशंस की बात करें ना, जो ऊंच नीच की जो बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे फिल्म में तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो फिल्म में एक क्लियर मैसेज है कि अगर मान लीजिए जैसे प्यार को दिखा रहा है, दो इंसानी रिश्तों को मतलब पवित्रता की तरह से दिखाया गया है इसमें, और ये दिखा रहा है कि जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सोसाइटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भाई हम हाई सोसाइटी में हैं तो हाई सोसाइटी का ही लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस फिल्म में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फिल्म पूरी तरह से मतलब एक हेल्दी है, साफ़ सुथरा है, कहीं से भी वैसी चीज़ें नहीं दिखाई गई है जिससे कि मतलब लगे कि हम बहुत जल्दी पॉपुलर होना चाहते हैं, वैसी चीज़ें नहीं है। कहानी के बल पे, हाँ कहानी के बल पे ये फिल्म चलेगी और बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भोजपुरी फिल्म की, तो भोजपुरी फिल्म में अगर बात करते हैं तो गाने को लेकर काफ़ी चर्चा रहता है, गाना है तो अश्लील होगा कि किस तरीके का होगा, अंग प्रदर्शन होगा कि नहीं होगा, कौन सा ड्रेस हीरोइन पहनी होगी, इस तरीके की बातें आती हैं, जिसके चलते लोग अपने बेटी के साथ या बोले पत्नी के साथ या किसी महिला के साथ या परिवार के साथ देखने नहीं आता है लोग। बिल्कुल, तो ये सवाल इसमें बंद हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गाना भी जो है बहुत ही अच्छी गाने हैं। और दूसरा चीज़ है कि इस फिल्म में ज़रा सा भी हम लोग पूरी सिनेमा को बैठ कर के इंजॉय किए, ज़रा से भी अश्लीलता कहीं भी नहीं झलका, ये हम ये कहना ज़रूर चाहेंगे और भी दर्शकों से कि वो आए अपने माँ बहनों के साथ आकर के इस सिनेमा को देखें और एक अच्छा साफ सुथरा मूवी बनाए तो उसको प्रोत्साहित करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक आम गवई सिनेमा है, गवई कहानी है, इसमें पटकथा जो लिखे हुए हैं वो बहुत बेहतर लिखे हुए हैं, और ये हमारी समाज से रिलेटेड इसमें कहानियां हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी समय के बाद एक साफ सुथरा मूवी आई है जिसको कि हम परिवार सहित आके देख सकते हैं। नहीं तो भोजपुरी पे आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि भोजपुरी जैसे ही मूवी आती है तो उसके बल्गर सीन जो देख रहे होंगे वो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगते हैं, जिसके कारण से परिवार, जो भी परिवार के लोग होते हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बनाने लगते हैं और सिनेमा टॉकीज तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस मूवी को आइए, मोती सिनेमा हॉल जो कि आरा में स्थित है, यहाँ पर लगा हुआ है, आइए देखिए और परिवार सहित इंजॉय कीजिए, क्योंकि काफ़ी समय बाद टॉकीज में आने का मौका मिलेगा, और देख के एंजॉय करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।